Chapter 4 Animal Kingdom. Till the previous video, we have discussed about various phylums such as the phylum Porifera, Coelenterata or Cnidaria, phylum Ctenophora, Plectihelminthes, Eschelminthes, Annelida, phylum Arthropoda and phylum Mollusca. In this video, we will discuss about the phylum Echinodermata. फाइलम एक्नोडर्मेटा में सी अर्चिन्स, सी लिली और स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैल्केरियस ऑसिकल से बनी होती है, मतलब इनका एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इनकी बॉडी में बहुत सारे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका नाम भी इसीलिए एक्नोडर्मेटा रखा गया है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये स्पाइन्स सारे ट्यूब फीड्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइलम एक्नोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिजम्स मराइन होते हैं, मतलब सी वाटर में रहते हैं, और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक का होता है। बहुत सारे सेल्स इनकी बॉडी में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कलेक्टिवली ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इससे पहले हमने जो फाइलम पढ़े थे उनमें ऑर्गन लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन था, प्लेक्टिहेलमिंथेस तक। उसके पहले टिश्यू लेवल था और पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन फाइलम एस्केलमिंथेस से हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फाइलम्स पढ़े, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। इससे ये पता चलता है कि बाद वाले ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते गए टाइम के साथ। जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो गए, इसलिए उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम तक का हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, एक्नोडर्मेटा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है अडल्ट में। अगर अडल्ट का हम डाइसेक्शन करें और उनको टू पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमको दो आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे, मतलब सेम पार्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक्नोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं उनका अगर हम डाइसेक्शन करें और उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो उनकी बॉडी बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगी लॉन्गिट्यूडनल प्लेन पर काटने से। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे तो हमको दो इक्वल पार्ट्स तो मिलेंगे लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन हम अगर अडल्ट एक्नोडर्म का डाइसेक्शन करते हैं तो हमको रेडियल सिमेट्री मिलेगी, आइडेंटिकल टू पार्ट्स मिलेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो तीन जर्म लेयर्स से होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म की जो लेयर होती है वो पूरी तरह से प्रेजेंट होती है, और ये हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो की थर्ड लेयर मीजोडर्म इज कम्प्लीटली प्रेजेंट। इसके डिस्टिंग्विश्ड ऑर्गेनिजम्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है, उनमें मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। उनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो दो लेयर से होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये तो हमने बात करी एम्ब्रियो के बारे में। अगर हम अब अडल्ट की बात करें तो अडल्ट को हम सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स या सीलोमेट एनिमल्स भी बोलते हैं, क्योंकि सीलम उनमें प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलम। इसके पहले सूडो सीलम प्रेजेंट थी एस्केलमिंथेस से, लेकिन फाइलम एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा और मोलस्का एंड नाउ फाइनली एक्नोडर्मेटा सारे ऑर्गेनिज्म सीलोमेट हो गए, क्योंकि इनमें ट्रू सीलम प्रेजेंट थी। मीजोडर्म की जो लेयर है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट थी। सूडो सीलोमेट्स फॉल्स सीलम होती है, जिसमें मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो लेयर पैचेस में प्रेजेंट होती है, एक कंप्लीट लेयर का फॉर्मेशन उनमें नहीं होता है। लेकिन सीलोमेट्स में, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, कंप्लीट मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट है, और ये हम अडल्ट्स की बात कर रहे हैं।
इसके अलावा एक्यूनोडर्मेटा में आने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इनका माउथ लोअर पार्ट पे होता है और एनस इनका अपर साइड होता है। ये इनमें एक डिस्टिंग्विश फीचर है कि इनका लोअर साइड माउथ है और अपर साइड एनस है। एक और स्पेशल फीचर इनका ये होता है कि इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। एनस इनमें अपर साइड होता है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है इनमें। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं होते। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअली होता है और फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो सी वाटर में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनका फर्टिलाइजेशन जनरली एक्सटर्नल ही होता है, उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल्स में नहीं होता है। ये स्पर्म और ओवा वाटर में ही रिलीज़ करते हैं और वहाँ पर ही उनका फ्यूजन होता है गैमेट्स का और वहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, मतलब जायगोट से अडल्ट बनने के बीच में एक और स्टेज आ जाती है जिसको हम लार्वल स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर इनके लार्वा आ जाते हैं। तो इनका डेवलपमेंट कैसा हो गया? इनडायरेक्ट। इसके अलावा जो उनके लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, क्योंकि हमने बोला कि इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था, वाटर में ही स्पर्म्स और ओवा रिलीज हुए थे और वहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन हुआ था, तो लार्वा भी वहीं पर फॉर्म होंगे, इसीलिए वो फ्री स्विमिंग लार्वाज होते हैं। एक्यूनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है स्टारफिश, जिसको हम एस्टेरियास बोलते हैं, सी अर्जेंस जिसको हम एक्यूनस बोलेंगे, सी लिली, एंटेडॉन, क्यूमेरिया, सी कोकेम्बर एंड ओफियोरा बीटल स्टार। सो विद दिस वी आर डन विद फाइलम एक्यूनोडर्मेटा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, अर्लियर इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा फाइलम को एक सब फाइलम माना जाता था कॉर्डेट्स का, कॉर्डेट, फिर हेमिकॉर्डेट और फिर बाकी का टैक्सोनॉमी किया जाता था, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम की तरह माना जाता है क्योंकि इनको अब नॉन कॉर्डेट्स माना जाता है। इसको कॉर्डेट पहले इसलिए माना जाता था क्योंकि इनमें एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट था कॉलर रीजन में, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते थे, नोटोकॉर्ड की तरह दिखता था वो रीजन, इसीलिए इसको कॉर्डेट के अंदर प्लेस किया जाता था। लेकिन फिर पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो अब ये एक सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स में। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में जितने भी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे प्लेस किए जाते हैं, और ये मराइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सी वाटर में जितने भी वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं वो सब हेमिकॉर्डेट्स होते हैं। इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि फाइलम एस्केलमेंथिस से हमने पढ़ा कि एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड फाइलम एक्यूनोडर्मेटा सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। तो एस्केलमेंथिस से पहले जितने भी फाइलम्स थे किसी में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सब में या तो ऑर्गन लेवल था, टिश्यू लेवल था, या फिर पोरीफेरा की तरह सेल्यूलर लेवल था। लेकिन फाइलम हेमिकॉर्डेटा में भी ऑर्गन सिस्टम है क्योंकि एस्केलमेंथिस से जैसे जैसे फाइलम्स बढ़ते गए वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स होते गए, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। तो ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
इसके अलावा इन ऑर्गेनिजम्स में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब अगर हम इनका डाइसेक्शन करें, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हमको दो इक्वल पार्ट्स मिलेंगे, लेकिन वो पार्ट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, एक साइड पे एनस आ गया, दूसरी साइड पे एनस है ही नहीं, तो वो आइडेंटिकल कैसे हुआ? इसलिए इनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो सकते हैं, पर आइडेंटिकल नहीं होंगे वो दोनों पार्ट्स। इस फाइलम के ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बाकी प्रीवियस फाइलम्स से मिलते हैं, जैसे कि एकिनोडर्मेटा। इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये भी सीलोमिथ्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो तीन जर्म लेयर्स से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हेमिकॉर्डेट्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आते हैं तो उनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तीनों जर्म लेयर्स से होता है। ये एम्ब्रियो की बात है। अब सीलोमेट्स हम अडल्ट के लिए बोलते हैं, सीलोमेट्स मतलब सीलम प्रेजेंट है, तो हेमिकॉर्डेट्स में भी ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है। जो मीजोडर्मल लेयर आप देख रहे हो डायग्राम में वो कम्प्लीटली प्रेजेंट है, पैचेस में अगर प्रेजेंट होती तो वो मीजोजीलिया हो जाती, लेकिन इसमें क्योंकि कम्प्लीट लेयर है इसलिए ये सीलोमेट है और मीजोडर्मल लेयर प्रेजेंट। बॉडी इनकी सिलेंड्रिकल है जिसमें प्रोबोसिस प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट पे, फिर आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो कॉलर पोर्शन है और उसके बाद एक बहुत लंबा इलोंगेटेड ट्रंक पोर्शन है। सो ये तीनों पोर्शंस आपको डिस्टिंग्विश दिख रहे हैं, आप आराम से इसमें फ़र्क कर सकते हो कि कौन सा प्रोबोसिस है, कौन सा कॉलर है और कौन सा इलोंगेटेड रीजन ट्रंक वाला रीजन है। ब्लड सर्कुलेशन इनमें आर्टरीज और वेन्स में नहीं होता है, इसलिए हम इसका सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं कि ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होता है। इसके अलावा डायग्राम में जैसे आप गिल्स देख सकते हो, तो जहाँ पर गिल प्रेजेंट है वहाँ पर रेस्पिरेशन गिल की हेल्प से ही होता है, तो इनमें रेस्पिरेशन गिल से होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप। इसके अलावा एंटीरियर साइड पे जो प्रोबोसिस प्रेजेंट है वो मेनली एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, तो एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस, रेस्पिरेशन, गिल्स, सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, दोनों एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट नहीं होते सेक्स ऑर्गन्स। इसके अलावा इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर होता है, मतलब मराइन में रहते हैं ये तो वाटर में ही होगा, सी वाटर में, सी वाटर में ही स्पर्म्स और ओवम रिलीज होते हैं और वहीं पे उनका फ्यूजन होता है, जायगोट फॉर्म होता है और फिर इनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है, मतलब एक लार्वल स्टेज भी प्रेजेंट होती है। जायगोट से अडल्ट बनने के बीच में एक और स्टेज आ जाती है लार्वा जिसमें होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया। अगर जायगोट से डायरेक्ट अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता बिना लार्वल स्टेज के तो हम बोलते हैं कि इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का है, लेकिन हेमिकॉर्डेट के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हेमिकॉर्डेट्स के दो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं बेलेनोग्लॉसिस एंड सेकेलोग्लॉसिस। सो विद दिस वी आर डन विद फाइलम हेमिकॉर्डेटा ऑल्सो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फाइलम कॉर्डेट।